नमस्कार, मोबाइल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र जी। हाँ, हमारे साथ पार्षद राम निवास तंवर जी है। आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं क्या कुछ रणनीति होगी दिल्ली के चुनाव के लिए। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से दिल्ली का चुनाव है, काफी कुछ रणनीतियाँ बन गई, क्या कुछ रणनीति हो सकती है? दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी अपने काम शिक्षा मॉडल में, स्वास्थ्य मॉडल में, कुल मिलाकर कहा जाए कि 5 साल में जो अभूतपूर्व ऐतिहासिक काम दिल्ली सरकार ने किए हैं, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किए हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव अपने किए हुए काम पर लड़ने वाली। खास तो पिछली बार ऐतिहासिक जीत मिली थी, क्या आपको लगता है कि इस बार भी 67 पार है? देखिए, पिछली बार जनता ने हमें वोट दिया था हमारे 49 दिन की सरकार के काम पे, और इस बार तो 5 साल का सरकार का काम है दिल्ली सरकार ने, जो 5 साल में किया है। देश की, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने मैनोफेस्टो में किए हुए सभी वादे पूर्ण अपने पूरे किए, और उससे कहीं ज़्यादा दिल्ली में विकास कार्य किए। दिल्ली के बजट को 2 गुने से ज़्यादा किया, दिल्ली में भ्रष्टाचार को कम किया, घर घर तक पानी पाइपलाइन से पहुंचाया, दवाइयां फ्री की, इलाज फ्री किया, एक फरिश्ते योजना जिसकी चर्चा पूरा देश कर रहा है, जिसमें कई हज़ार लोगों की जान बचाई जा सकी है। तो सभी क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने जो अभूतपूर्व काम किए हैं, उनके आधार पर मेरा ये मानना है कि हम 70-70 से दिल्ली में इस बार जीत रहे हैं। खासतौर से आप द्वारका सीट से भी आते हैं, वहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे वहाँ क्या माहौल है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि स्थानीय तौर पर उनका काफ़ी कुछ विरोध भी है। नहीं, देखिए, विरोध तो कह सकते हैं थोड़ा बहुत है, कुछ लोग विपक्षी लोग ये सब चर्चा करते हैं। वोट जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के काम पे, वोट आम आदमी पार्टी को जनता देने के लिए लाइट। जी हाँ, खासतौर से जिस प्रकार से दिल्ली में जो बीजेपी ने चार्ज लिया है 1789 के जितने भी अवैध कॉलोनियाँ हैं उसको नियमित करने के लिए, ऐसे में उसको उसका लाभ उसको मिलेगा या आम आदमी पार्टी को मिलेगा? नहीं, देखिए, 1700 कॉलोनियाँ जो ये नियमित करने के लिए जो इन्होंने लॉलीपॉप दिया है जनता को, कहाँ पे कॉलोनियाँ नियमित की गई? इन्होंने एक वेबसाइट बना रहे हैं, एक जो है सर्टिफिकेट इशू करेंगी कि आपका मकान इस कॉलोनी में है, आपकी कॉलोनी नियमित है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या एक एक व्यक्ति को कॉलोनी अगर नियमित की जाती है तो आप कॉलोनी नियमित करिए। हमने 2015 में सरकार बनते ही जो है प्रस्ताव भेज दिया था, तब से तो इन्होंने कुछ किया नहीं। 2015 का भेजा हुआ प्रस्ताव पे आज आप बात कर रहे हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं कि एक एक व्यक्ति अपने कागजात लेके DDA दफ्तर में जाएगा, उसको एक सर्टिफिकेट इशू होगा। तो ये तो एक लॉलीपॉप जैसा है। हम आम आदमी पार्टी को ये मांग करते हैं कि आप सीधे सीधे रजिस्ट्री दो। आपने अगर कॉलोनी नियमित कर रहे हैं तो ठीक है, ओपन करिए रजिस्ट्री। हमारी दिल्ली की सरकार रजिस्ट्री तत्काल करने के लिए तैयार है। तो ये भाजपा का एक लॉलीपॉप है, जैसे पहले की सरकारें देती रही हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे देना, एक लिस्ट बना के डाल देना, उस लिस्ट का अखबार में आ जाना, उसके बाद कुछ भी नहीं, आज तक तो हुआ नहीं। वही है इनका चुनावी एक मुद्दा है, इसका भाजपा को लाभ नहीं मिलेगा, जनता सब कुछ जानती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रामनिवास। ये थे भाषण रामनिवास तंवर जी, खासतौर से बरात बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने जो भी वादे किए थे, सारे वादे को पूरे किए हैं, इसलिए जनता इनके साथ है। कैमरा पर्सन बाल के साथ मानवेंद्र, नमस्कार।